मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने जिलाधिकारी के विजय पांडियन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ कोविड संक्रमण के इलाज के दौरान कहीं पर ऑक्सीजन की कमी ना आने पाए इसके दृष्टिगत गीडा में स्थित गैस उत्पादन इंडस्ट्री मोदी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं आर की ऑक्सीजन का निरीक्षण किया और वहाँ हो रहे ऑक्सीजन उत्पादन की स्थिति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद मंडलायुक्त ने गीडा में मोदी केमिकल्स एवं आर की ऑक्सीजन व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिए कि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी ना आने पाए। मंडलायुक्त ने पशुपतिनाथ गुप्ता की बंद पड़ी ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज को पुनः संचालित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्या क्या आवश्यकता है, निरीक्षण कर तत्काल अवगत कराएं। मंडलायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि कोई भी औद्योगिक इकाई में ऑक्सीजन सिलेंडर प्रयोग न हो तथा कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडरों का भंडारण कालाबाजारी न होने पाए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि ऑक्सीजन की मांग के अनुसार आपूर्ति में एजेंसियों को सहयोग करने एवं शांति व्यवस्था पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए मोदी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नॉर्मल पर अपर नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता, मोदी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 13 गीडा में उप जिलाधिकारी न्यायिक खजनी मनोज तिवारी तथा आर के ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 15 में उप जिलाधिकारी सहजनवा सुरेश राय की तैनाती की गई है। इस अवसर पर सीईओ गीडा पवन अग्रवाल, अपर निदेशक स्वास्थ्य, सीएमओ सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।